क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी होता है ये हम देखते हैं। द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में यहाँ पे आ गए हमारे लेगुमिनियस क्रॉप्स और नॉन लेगुमिनियस क्रॉप्स। लेगुमिनियस क्रॉप्स क्या होते हैं, जो हमारे मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि मटर हो गया, आलू हो गए, और बाकी जितने भी हमारे जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो हमारे लेगुमिनियस क्रॉप्स में आते हैं। नॉन लेगुमिनियस होते हैं जो हमारे मिट्टी के ऊपर उगते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन लेगुमिनियस क्रॉप्स होते हैं। और ये जितने भी होते हैं ये हमारे एक ही फील्ड्स में उगाए जाते हैं। इसके हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन में। ये क्या करता है, जो लेगमिनियस क्रॉप होते हैं जो ज़मीन के नीचे उगते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं फील्ड्स पे। फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, इससे वहाँ की फर्टिलिटी और मिट्टी जो होती है ज़्यादा उपजाऊ बनने लगती है। और जो हमारे जो नॉन लेगमिनियस होते हैं वो नाइट्रोजन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं, तो यहाँ पे एक बैलेंस बना रहता है। वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वहाँ पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे फर्टिलिटी बनी रहती है। रोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड प्रोटेक्ट अ लॉट ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो रोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वहाँ पे बचा के रखते हैं, जो हमारे नॉन लेगुमिनस क्रॉप में काम आते हैं, और वहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे क्रॉप रोटेशन करने के बहुत से फायदे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।